टूडे तो लोग जब सोच रहे थे तब हमने बिल्ड कर दिया था हम एग्जीक्यूट कर दे, चुके थे वी सेट दिस सो व्हाट वर द स्ट्रेंथ्स लाइक एक्जीक्यूशन आपने की अच्छा एक चीज़ आपने और भी बताई थी वो चीज़ सेट के हम इजिप्ट स्वेवल से काफी सारी चीज़ें कॉपी की मुझे जरा प्रोसेस के बारे में बताई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लॉट ऑफ पीपल बड़े इंस्पायर की यार ये तो इको सिस्टम चेंज कर देगी ये गेम चेंज कर दी गई एंड ऑल्सो दर्विस नोट चाहिए क्यों बंद हो गई उनको बोलना प्लीज खोलते वापस देते लड़ ऑफ पीपल स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन इट लिटरली सब uh, uh, so, काफ़ी सारे आपने क्वेश्चन बीच में पूछे हैं हाँ. uh, uh, तो देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो रेप्लिकेट होते हैं ही. बहुत सारे आइडियाज रेप्लिकेट होते हैं बहुत बड़े लेवल से लेके बहुत छोटे लेवल्स तक फॉर एग्ज़ाम्पल एमेज़ॉन ने क्लाउड सर्विस शुरू की है ए के नाम से कुछ अर से बात गूगल ने शुरू कर दी फिर माइकसॉफ्ट ने शुरू कर दी माइकसॉफ्ट उसको एजोर कहती है गूगल उसको गूगल क्लाउड कहती है अली बाबा उसको अली क्लाउड कहती है हाँ. क्या ये डिफरेंट सर्विसेज हैं थोड़ी बहुत हैं एप एक जैसा इनका पैकेज है ठीक है थोड़ा बहुत प्राइसिंग में फर्क होगा हुँ. तो फिर यूनिकनेस तो नहीं है ठीक हाँ. है बट सम पीपल विल विल यूज देम बिकॉज ऑफ सम सम अदर अदर क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेप्लिकेट होती हैं अमेजोन जैसा ई कॉमर्स का कोई और प्लेटफॉर्म है अपेरेंटली नहीं है हुँ. तो फिर खाड़ी वाले अपना क्यों बनाते हैं और फलाना हाँ, अपना क्यों बनाते हैं ठीक हाँ, है सो so, हर एक की अपनी एक पहचान होती है हाँ, uh, हमने क्योंकि उस दिन भी जब कॉन्टेस्ट कौंटे, में कॉन्टेक्ट में बात हो रही थी ऊबर और करीम का हम जिक्र करते हैं हाँ, करीम वॉज एन रेप्लिका ऑफ ऊबर ठीक है एंड ऊबर एंड बाइंग करीम फॉर थ्री बिलियन डॉलर वाइल्ड पाकिस्तान में भी थे और दुबई में भी थे हर जगह है हाँ, ना उबर तो फिर क्यों खरीदा अगर अगर वैल्यू वैल्यू ये नहीं है कि करीम वॉज ऑपरेटिंग मच बेटर देन इन इन मार्केट उसको नहीं ब्रेक कर पा रहे थे तो एग्जीक्यूशन और uh, and, and so so वो भी है वो भी है लेकिन आप ये देखें कि यार हम मतलब अगर ये इनोवेटर्स हैं तो इनको ऑन बोर्ड करेंगे तो ये हमें भी आगे लेके जाएंगे और बिजनेस वर्ल्ड जो है वो वैल इट्स का थ्रोट इट्स वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल मेक बिजनेस डिसीजन जिनसे उनकी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को फ़ायदा हो वो जो है ना इट्स नॉट इट्स नॉट वो क्लास वन टू और थ्री वाली नाराजियाँ ना कि हाँ। वो ये नहीं करता पंजाबी में एक uh, कहावत है मेरा कोई पंजाबी एक्सेंट नहीं हो कहते हैं शरीका दी कंध ढहा आप ले आ जाओ। शरीका कहते हैं बेसिकली कज़न्स को साथ रहते हैं, हाँ. मैच करती हैं हाँ. ना भाइयों के घर हैं। हाँ. कहते हैं उसकी दीवार अच्छा. खुद नीचे दोनों okay. की दीवार एक है ना यानी हाँ. सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आप अपने बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकते ना करते हैं और जब हमने बस सर्विस शुरू की थी तो हमने ठीक है फर्स्ट इंस्परेशन केम फ्राम सुविल और वॉट वॉज सिविल डूइंग येस देर वर पीपल हु विजिटेड इजिप्ट ऑन आर बिहार हमने स्नैपशॉट्स लिए थे उनकी और सिविल की के फाउंडर्स जो हैं उनसे भी हमारे डिस्कशन होता वो कहते थे यार यू यू काइंड ऑफ कॉपी ड बट यू वर डूइंग इट फास्टर देन आस ठीक है बिल्कुल ऐसा था हमने कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो बिल्कुल मतलब लाइन टू लाइन हम कॉपी करते थे ठीक है क्योंकि दे वर डूइंग इट गुड बट वी वर डूइंग इट बेटर ओके और हमारी डेवलपमेंट टीम जो थी वो एब्सलूटली फास्ट थी और आई एम सो सो प्राउड ऑफ वट एवर एयरलिफ्ट बिल्ड उसका क्लोजर जो है वो डजन टेक अवे द अमेजिंग हार्ड वर्क दमेजिंग हार्डवर्क टीम डेड और तो, तो वो जो एग्जीक्यूशन है वो मैटर करेगी hmm. um, तो हमने बात की शुरू की हमने Amazon's और माइक्रोसॉफ्ट से wow. अब आप नीचे आ जाए Uh, एक फ्रेंच फ्राइज ठेले ठीक है कोई तो दस हजार होंगे कराची में वुड बी के यार इसके अच्छे होते हैं ठीक है तो यू आर एक्चुअली बेटिंग फॉर फॉर द द पर्सन हु इज मेकिंग देम राइट कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है उसकी बर्गर शॉप्स हैं पचास हजार है, है। रोल पराठे हैं पचास हजार है बदन देव जो के फ्लरिश करते हैं बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिंग बेटर क्या यूनिकनेस है आइडिया में पान वाले हैं यू स्पेसिफिकली टू देफिकली थोड़ा सा अपनी लर्निंग्स बताएं की ये चीजें। आप क्या लिया? और बहुत किया। हमने प्रोडक्ट की चीज़ें कॉपी की okay. जो, जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी हाँ. वो जैसे मैंने कहा स्पीड तो थी ही थी हमारा एक वैल्यू सिस्टम था एयर लिफ्ट का एंड आई थिंकान गुल असल में मीडिया पर आता नहीं है वरना यू गैज आर मिसिंग आउट ऑन And probably one of the biggest geniuses of our times. Yeah, and you'll see the next product that he he makes, inshallah. Usman, uh, uh, the co-founder, CEO of Airlift. Mm -hmm. Yes. Um, he created a set of uh, a set of values that we really lived by. Mm -hmm. Matlab, pe the. Or uh, like for example, there was there was a uh, there was a list of things. वो लिखी हुई होती है ना विजन एंड मिशन वगैरह वगैरह हाँ, वो जो हाँ, कि किताबों और वो आई के लिए जो होती है वी वर नॉट ऑफ पीपल हम तो बोर्ड भी नहीं लगाते थे अपना सो uh, so so से uh, बिल्कुल एब्सलूटली और हाँ. वो हमारी ना बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हमारी टीम के एक एक बंदे ने उसको लिव किया पीपल uh, हु हाँ, क्योंकि वो वो हमारे साथ बिल्ड कर रहे थे मतलब एयरलिफ्ट एक दो लोगों का काम था ही नहीं लेकिन हाँ मेरे ख्याल में जो जो क्रेडिट हमें लेना चाहिए एज एज मैनेजर्स या एज स्टार्ट ऑफ दैट कि वो वैल्यूज हमने लिव की लाइक फॉर एग्जांपल देर वाज अ वैल्यू हम कहते थे बाइस टू एक्शन यार ये इतना डिसीजन में टाइम मत लगाओ एक्शन ले लो चीज़ें करने से होती हैं प्लान करने से नहीं होती है बायस टू एक्शन वॉज वन बीग वन पर्सन बेटर एवरीडे वॉज़ वन Okay. हर वक्त सीखना है हर वक्त सीखना है yes. जो अमेजोन के ऑफिस हैं उनके अंदर लिखा होता है इट्स डे वन जैसे डे वन पे आए थे ना हाँ. सो so आप कभी भी अर्जेंसी को इग्नोर uh, नहीं कर सकते हुँ. तीसरी एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने की थी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ये बड़ा प्रॉब्लम है एक पॉलिसी आती है आप कहते हैं यार ये मैनेजमेंट को क्या है यार ये फलाना चीज ये क्यों करते हैं ये फलाना क्यों कर दिया चाय में फलाना चीज क्यों कम कर दी यू नो एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट इज रॉन्ग

आपका साथ वाला है उससे आपका मग गिर गया टूट गया ठीक है तो दरअसल आप कहेंगे यार उसने गिरा दिया यार सॉरी गिर गया तुम ठीक हो कपड़े तो नहीं खराब हुए यू you नो know? आपके साथ एक और ये मैं कितनी दफा रिपीट करता हूँ मेरे साथ मेरी एक कॉलीग बैठी है वो एक वर्किंग मदर है ठीक है उसका बच्चा है, सही है। उसको छः बजे घर जाना होगा यार ठीक हाँ। है उसकी जिंदगी है

उनमें से एक ने ठीक है आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग नेम्स अगर वो सुन भी रहा हो तो प्रोडक्शन का डेटा जो था उसमें सारे यूजर्स के नंबर डिलीट कर दिए हो गए उससे और वो बहुत परेशान हो, हो गया ज़ाहिर है इसलिए गलती से हो गया परेशान हो गया ठीक है वो एक आर्किटेक्ट वगैरह वो सब अवेलेबल थे देर स्टोर पाँच सात मिनट पहले का बैकअप वो सब अप हो गया ही वो सो वर्ड उसको नहीं समझ आ रहा था कि होगा क्या उसके साथ एंड मतलब वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट अगेन अच्छा हाँ तो हमने उसको उसका समोसे समोसे खिलाओ ठीक है इट बिकेम अ जोक इन दी ऑफिस इट बिकेम अ मीम इन दी ऑफिस हम हमने बहुत ही क्लास लेते थे बंदे की एंड एंड uh, क्यों वजह क्या थी क्या उसने जान के किया था ठीक है क्या ये कॉन्स्परिससी थी क्या ये मिस्टेक थी It was a mistake. Genuine mistake. एक बंदा एक तो बंदा रात को बजे एक कर रहा है। क्यों कर रहा है क्योंकि वो ऑन कर रहा है उसको उस डेढ़ सर्वर पे करनी चाहिए थी ठीक है हजारों कस्टमर्स इम्पैक्ट हो गए लेकिन वो रिस्टोर हो गया वो चल गया वो नहीं भी रिस्टोर हो सकता था तो क्या उसकी जान ले लेंगे यू हैव टू फिगर आउट क्या था वो ओनरशिप लेना बंद कर देगा वो पहले भी की था

ठीक है तो आप हाँ, एक प्रॉब्लम आपके हाथ हाँ, में आ गई ना हाँ, उसको घर तक छोड़ के हां सो यू बी 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 सो ओनरशिप कल्चर वहाँ से भी बिल्ड होता है व्हेन यू डोंट माइक्रो अच्छा बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली माइक्रो मैनेजमेंट तो गुनाह है राइट right? अच्छा अब एक और चीज है हाँ, जो कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का सबसे बड़ा वीक एरिया है यार क्यों शेयर्स नहीं देते लोगों को कंपनी के <laughs> एयरलिफ्ट के सारे बिजनेस और इंजीनियरिंग टीम के एक एक बंदे के पास शेयर्स थे कंपनी के अल्लाह करता अब हम सौ पचास सौ बिलियन डॉलर के बिकते तो ये सारे अमीर हो जाते सिर्फ हम दोनों नहीं या आ, जो फाउंडर्स थे वो नहीं ठीक है क्यों हमें हमें क्या हमें कौन मना कर रहा था सो टू हैपन आपको बनना तो गूगल है

when they entered Pakistan, they were हाँ. already two and a half years old. हाँ. ठीक है? आपको कभी पता चला सिविल और एयरलिफ्ट की एग्जीक्यूशन में कि ये ढाई साल से यही काम कर रहे हैं और ये अभी पैदा हुए That's how fast we were. हमने विद इन मंथ्स वो सॉफ्टवेयर बना लिया जो उन्होंने ढाई साल में बनाया था एंड विद इन मंथ्स वी बिकेम बेटर देन देम इन सो मेनी वेज एंड द वे यू गाइस लाइक मार्केटेड इट आई I मीन mean, गाड़ियाँ चल रही हैं, दिख रही हैं, चल हैं, है, हर जगह एक मतलब पता चल गया लोगों अच्छा, को बड़ी मज़े की बात। वो थी ना हाँ। तो हमारे डिलीवरी अच्छा। हाँ, जब हो रही थी तो, तो हमने खर्चा किया था जब बसेज चल रही थी फेसबुक नो बिल बोर्ड बस स्टॉप्स पे बस एड लगा होता था एयरलिफ्ट का बाकी सर बस पे लिखा होता था ठीक है देयर वर नो एड्स इट वाज मोस्ट 90% वाज वाटर वाटर माउथ एंड द बसेस दैट पीपल saw on, on so tell me पाकिस्तान की आई थिंक सबसे बड़ा जो सेकंड सीरीज बी राउंड था यू रेज्ड एयरलिफ्ट रेज्ड 85 मिलियन डॉलर्स और अभी तक भी वन ऑफ दी बिगेस्ट फंड है ना तो कैसे एंड लाइक वटर आई वे वो क्या खसूसियात थी स्पेसिफिकली क्योंकि अभी भी लोग फंड रेज करते हैं थोड़ा सा है जितने वो पहले थे बट अगेन कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पे यू गेट इन देखेंटर्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ठीक है तो यू मोस्टली कैन नॉट फूल ठीक है वो उनको पता होता कि वो क्या करने जाए दूसरा वो नंबर देखते हैं वो कस्टमर्स फीडबैक देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये वाकई में जो क्लेम करें ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा यू डोंट जस्ट गिव समी दीज मैनी मिलियन डॉलर्स जस्ट लाइक दैट ठीक है आप देखते हैं कि आपने एक कंपनी स्टार्ट हुई वो बस चलाती थी कोविड आ गया उस कंपनी ने विद इन थ्री टू फोर वीक्स उसको शट डाउन किया और ग्रॉसरी डिलीवरी शुरू कर दी द बस सर्विस वॉज टॉप नाच एवरीबडी लव्ड इट

एल एफ में आ, हमें ऊसमान के अपने काफ़ी सारे पैसे इनिशियली लगे थे फिर आप एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं सो देर आर फेजिज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है मैं आपके पास जाता हूँ मैं इनके पास जाता हूँ हाँ, हाँ, मैं चार लोगों के पास जाता, हाँ, हाँ। हाँ। जाता हूँ कि यार मैं इस तरह की कोई चीज़ शुरू करूँ तो तुम दस हज़ार डालोगे ठीक है आपने दस हज़ार लिए पाँच हज़ार लिए फलाना किया आपके पास पच्चीस हज़ार रुपये हो गए पचास हज़ार रुपए हो गए आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बेकरी खोलनी थी तो आपने दो तीन केक्स बनाए दस केक्स बनाए और आपने इधर उधर बेचे आपने जाके कहा कि देखो मैंने दस केक बेचे सारे प्रॉफिट पे बिके आई थिंक आई कैन डू इट तो उसके बाद आप अगले लेवल के इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं कि यार मुझे अगर पाँच सौ केक बनाने हैं तो मुझे इतना मटीरियल चाहिए मुझे एक अच्छा ओवन चाहिए हुँ. तो मुझे कम अज़ कम लाख रुपये चाहिए तो यू यू ट्राई टू गेट समबडी ऑन बोर्ड फलाना

होंगी। वेन आर, वेन आर जब आतिफ अवान आए और इंडस वैली इंडस वैली तो उस वक्त था ही नहीं आतिफ़ खुद थे हुँ. आतिफ ने इन्वेस्ट किया और दैट वॉज आई थिंक प्रॉब्ली नियर हाफ अन हाफ अलियन से भी कम था जब ने आत किया था तो वह आतफ ने इन्वेस्ट किया हमारे पास कोई ऑफिसेज नहीं थे हमारे पास कोई नया लैपटॉप नहीं था हमारे पास अपनी चेयर्स भी नहीं थी हम तो ईट मुबारक के ऑफिस में बैठते थे हमने एक महीना फोलियो थ्री के ऑफिस से काम किया है हमारे पास कोई जगह थोड़ी थी ये वाली फंडिंग जिसकी आप बात करें ये तो 2021 के क्यूब की है तो ये सब कुछ तो होने के बाद है जब आपने प्रूव कर दिया टाइम एंड अगेन के हम We कर सकते हैं गुड जिस वक्त हमने ये फंडिंग रेस की थी उस वक्त हम 25000 ऑर्डर्स कर रहे थे डेली के 25000 डेली की डिलीवरीज 25000 राइडर्स पिकिंग स्टफ फ्रॉम वेयर हाउसेस एंड डिलीवरिंग एंड डिलीवरिंग एट अ रिकॉर्ड स्पीड डिलीवरिंग विद सुपर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यस यस सो ये फंडिंग जो है बाद की बात होती है ओके लेसन लर्न पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप होने लगा था पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस वॉट वेंट रॉन्ग दिन ये तो इतना लंबा आंसर है इसका इसके लिए आपको पूरा इको पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा था उस वक्त क्या हो रहा था टाइम फ्रेम क्या था सुपर गुड इन एग्जीक्यूशन तो वहाँ तो गलती थी नहीं 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 देखें हाँ। आब... गलतियाँ वहाँ पे भी हो सकती हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ पे होती हैं अब स्ट्रेटिजिक कुछ डिसीजंस लेते हैं जो फॉर so एग्ज़ाम्पल आप एक घर बनाना शुरू करती हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये दो करोड़ रुपए लो ठीक है और तुम घर बनाओ बेहतरीन ना हुँ. तुम्हारे पास पाँच करोड़ का बजट है ठीक है और लश पश होना चाहिए आप बनाना शुरू करती हैं तो आप पाँच को जहन में रख के आप बेसमेंट बनाएंगे या फलाना बनाएंगे आप, आप टाइल्स लगाना शुरू करेंगे या आप खिड़कियाँ वुड़कियों के ऑर्डर लेंगे हाफ वे थ्रू अभी आपने पिलर्स विलर्स खड़े किए हैं आपके दो करोड़ रुपए लग गए क्योंकि आपने बहुत ही टॉप नॉर्थ सरिया डाला है सही है ठीक है ठीक आप मेरे पास आते हैं अहमद भाई बाकी देने पैसे मैं कहता तो बाकी तो नहीं है बी सी में चलाओ तो आप क्या करेंगी नहीं मैं तो नहीं कम्प्लीट कर सकती ना <laughs> <नहीं>। <laughs> मैं आपसे कहता हूँ अच्छा चलो एक काम करते हैं चलो पचास लाख ले लो तो फिर आप क्या करेंगे यू नो सो इस तरह की भी चीजें होती हैं तो आपने एक एक बहुत जबरदस्त शिप बनाना शुरू किया जिसमें जिस, जिस पर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था लोगों का हमने सीरीज़ बी किया जिस वक्त हमने सीरीज़ बी किया उस वक्त एक और राउंड के लिए ओवर एक्साइटमेंट थी नॉट ओनली एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट थी पीपल वर टॉकिंग अबाउट हैविंग अनदर राउंड ऑफ टू थ्री प्रॉब्ली फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर ऑन अ वन बिलियन प्लस की वैल्यूएशन ओके okay. और बहुत बहुत ही टॉप लेवल के तीन चार पांच इन्वेस्टर्स थे जिनसे बातचीत हो रही थी ये सम बात है समथिंग अराउंड Q4 2021 की और उन्हें लगा कि हमें फ़ॉरन से पाकिस्तान से बाहर भी लॉन्च करना चाहिए ठीक है वी वेंट टू साउथ अफ्रीका हमने साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया केप टाउन और जहनसबर्ग ने वहाँ पर भी लॉन्च किया uh, क्यों क्योंकि उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर सिग्नल था ऑन ऑन दिस लार्ज इन्वेस्टमेंट तो अब आपने जो घर बनाना शुरू कर दिया है वो पाँच करोड़ के बजट पर बनाना शुरू कर दिया तो, तो उस जमाने में दो तीन चीजें हुई दो तीन बड़ी चीजें हुई यूक्रेन पर हमला हो गया।, गया एक 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 डिफरेंट तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट हो गया पोस्ट कोविड कैपिटल मार्केट्स अचानक से ड्रॉप की सो अगर आप अगर आप इसको पढ़ें तो आप ये देखेंगी कि कैपिटल मार्केट्स क्यू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कहा थी क्यू थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कहा थी Haan. और छः महीने बाद कहाँ थी uh, I, I wrong, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी लिमिट्स बताता हूँ जब हमने सीरीज बी किया था तो मेटा का शेयर था मेरे ख्याल में थ्री हंड्रेड प्लस पे था डॉलर hmm. hmm. जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में लाइक नाइन ईयर नाइन मंथ्स लेटर मेटा का शेयर था नब्बे पे नाइनटी थ्री पे था ये शायद एक साल हुआ होगा क्योंकि मैं ज़माने में फास्ट में पढ़ा रहा था तो मैं डिप चेक कर रहा था मेटा विच इज फेसबुक एंड इंस्टा एंड ऑफ ठीक है अगर वो साढ़े तीन सौ से नब्बे पे आ सकता है उनके पास ये सस्टेनेबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास नहीं है उस एक साल में ई कॉमर्स में मैसेव लॉसेस हुए अमेजोन uh, ने एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप लूज़ किया एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप दैट्स बिलियन डॉलर्स राइट तो ये बहुत कुछ हुआ बीच में जिन्होंने वो उस वो फंडिंग रेज कर ली और उन्होंने अपने बर्न को कंट्रोल कर दिया वो सर्वाइव कर गए हम अपने बर्न को बढ़ा रहे थे उस वक्त हाँ। क्योंकि हम एक और राउंड रेज करने वाले थे हाँ। हम नहीं सर्वाइव कर सके हाँ। और इसको सिर्फ कैपिटल मार्केट्स पे ब्लेम करना हाफ ट्रूथ होगा इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक डिसीजनिंग हम लोग कर रहे थे मे बी हम साउथ हाँ। अफ्रीका ना जाते मे बी हम थ्री uh, सिटीज में ना जाते हैं मे बी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ना स्टार्ट uh, करते मतलब बहुत सारे ऐसे बट अगैन ठीक है मैं घर बना रहा था पाँच करोड़ के बजट पर ठीक है और तो सो so वो है सो इट्स इट्स रियली सैड ऑल ऑफ देट है देट क्योंकि इतनी एक तो ये ना कि आप सो so, अब मेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजनिंग पे मुझे ब्लेम करें क्योंकि मैं फ़ाउंडर हूँ और uh, मैंने क्यों क्या कैसे किया वो बिल्कुल राइट right बनता uh, uh, है हर uh, एक का स्पेशली इन्वेस्टर्स का लेकिन एक हैं हबीबुल्ला साहब उन्होंने एक ट्वीट किया कि फाउंडर्स जो हैं उन्होंने चार चार कनाल के घर ले लिए डिफेंस में और ऑडी मुझे गाड़ी का मॉडल भी याद आ रहा है ऑडी ए एट ए और एक

जो आपको अच्छा। सबको लग रहा है अच्छा। मैंने उनसे कहा कि आपका सोर्स क्या है इसका क्योंकि मेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे पता है हाँ। उनके पास जो पैसे मुझे पता है सो so, बहरहाल उनका टेक्स्ट कर दे मैं स्क्रीनशॉट लेके एक और ट्वीट करता हूँ फिर <laughs> हाँ बिल्कुल तो मेरे ख्याल में सो so, बहुत वैल्यू है ट्रस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है ट्रस्ट की जो एक और बहुत बड़ी लर्निंग है ना इस पूरे पूरे मामले में वो ये कि वन योर नो बडी ठीक है

Nobody wants to meet you। <laughs> <laughs> लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है इसको समझना चाहिए और, और जितने भी स्टार्टअप्स लोग बना रहे हैं ना स्पेशली यंगस्टर्स उनको मैं ये ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि आ, ऐसा नहीं है कि फंडिंग ख़त्म हो गई है ऐसा नहीं है कि पैसे रोक गए ऐसा नहीं है कि एयरलिफ्ट कोई बहुत ही कोई बुरी भला थी वगैरह 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 लेकिन इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है दो हज़ार अठारह उन्नीस में जो इन्वायरमेंट थी वो अब नहीं है ठीक है आप अगर अभी जाके किसी को कह रहे हैं ना मैं सौ मिलियन का बिजनेस करूंगा यहाँ पे वो बेचारे कार मैन्युफैक्चरिंग महीने में एक एक गाड़ी नहीं बेच पा रहे अब सौ मिलियन का मुझे प्रोजेक्शन बना के देंगे वो कल भी किसी ने लिखा हुआ था एक एक वेंचर फार्म है उन्होंने कहा था अगर तुम मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में सौ मिलियन डॉलर का बिजनेस पाकिस्तान में दिखाओगे ना तो मैं वैसे ही बंद कर दूंगा क्योंकि अभी इस वक्त हाल टाइट है

लोग इसको थ्रेट समझते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं कंपटीशन जो थ्रेट्स भी बन जाते हैं लेकिन प्राइमरीली ना वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं मतलब अगर एयरलिफ्ट चल रही थी और सिविल आ गई हम इतनी बसें चला ही नहीं सकते थे जो पूरा कराची कवर करे तो हमें तो सिविल चाहिए थी ठीक हाँ। है और हमें पाँच और कंपनीज भी चाहिए थी जो होंटि बट वट अब हर एक को एक ऐप बेस्ड बस सर्विस की आदत हो जाती और फिर हर एक वो यूज कर रहा होता है हाँ। जैसे आप करीम को करते हैं ठीक है हाँ। और अब इन ड्राइवर इज नथिंग न्यू अब वो यंगो का मैं सुन रहा था एक दूसरे और भी आ गए हैं ना पीपल आर यूज टू इट तो आप ग्रोसरी डिलीवरी करना शुरू कर दिया एयरलिफ्ट आपको पसंद आया किसी और ना एयरलिफ्ट चला गया अब आप ट्रेप मार्ट से ऑर्डर करते हैं

ठीक है और देखें एक कंपनी आके आपको खा नहीं जाती नहीं। आपको ख़त्म नहीं कर देती देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट शेयर कि वो इतना ले लेंगे वो उतना ले लेंगे अब ये डिपेंड करता है कि पहला शेयर आप उठाते हैं या बचा हुआ उठाते हैं नहीं। अपनी अब अप अलामा इकबाल को अगर जो लोग पढ़ते हों तो इकबाल ने कंपटीशन के बारे में एक शेयर कहा है वो कहते हैं कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फजा में शाही का जहाँ और है करगस का जहाँ और इसका मतलब यह है कि इसी एक ही इन्वायरमेंट में दोनों उड़े होते हैं ईगल्स भी और वल्चर्स भी ईगल्स की दुनिया और है वल्चर्स की दुनिया और है ईगल हमेशा शिकार करके खाता है और वल्चर हमेशा लेफ्ट ओवर खाता है ठीक <laughs> है वो वो होता ही डेडिटर है yeah.

हाँ अभी तो इस वक्त तो एज ऑफ टूडे मतलब पिछले तीन साल हम सोच नहीं सकते uh, actually सोच सकते हैं अगर आप पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है ना उसको अगर आप पढ़ें इट्स नॉट शॉर्टेज इट्स नॉट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट्स इट्स एक्चुअली लैक ऑफ यूज अब जितना ज़्यादा यूज करेंगे हम इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करें जितनी हमारी नीड है ओके okay. हाँ ये जो सारा आई का इकोसिस्टम है अगर आप इसको पढ़े मैं आपको अजहर का एक ब्लॉग है वो भी मैं आपको वो वीडियो लॉग करते हैं उन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है जो ये जो पावर प्लांट्स इन्होंने लगाए थे और जिन हाँ। कंडीशन पे लगाए हुए थे हाँ। उसकी फिजिबिलिटी बनती तब है कि जब वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत कंज्यूम हो रही हो okay. तो फिर उनका जो वो जो फिक्स रेट है ना जो हम उनको दे रहे होते हैं वो फिर नॉर्मलाइज होना शुरू होता है बिल्कुल अच्छा अभी क्या है कि वो प्रोड्यूस करें या ना करें हमें उनको देना पड़ रहा है हाँ। वो तो बेसिकली अगर हम बिजली इस्तेमाल ना भी करें तो भी हमारे पास बिल्कुल तो ये जो कॉस्ट हम बेयर करें ये उसकी है ओके हाँ, ओके, ओके तो सो तो, तो इस वक्त शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास प्रॉब्लम जो है ना वो ये आपका ब्लॉक बंद हो जाएगा <laughs> हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो वो ये स्टूपिड पीपल आर रनिंग कंट्री ठीक है और स्टूपिड पीपल द कंट्री फॉर सो लॉन्ग और स्ट्रैटेजिक uh, थिंकिंग ही नहीं है मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम है हाँ कहते हैं कि यार ये मुझे दे दे, दे मुझे <laughs> मेरे हवाले कर दें ये सा और ये ठीक हो जाएगा And, मैंने uh, ये सवाल वैसे आखिर में डाला था बट मैं अभी पूछ लेती हूँ आपसे इफ यू यू आर इन पावर लेट्स से हैव द अथॉरिटी ऑफ मेक लेकिन वो ये सारी अच्छी बातें इमरान खान पहले कर चुके हैं ठीक है ये अच्छी बातें करने की बात कर रहा हूँ उन्होंने किया तो बहुत ज़्यादा नहीं एजुकेशनल uh, एमरजेंसी की बात की थी उसने ठीक है वी नीड एन एब्सलूट एजुकेशनल एमरजेंसी मतलब इसमें कोई कोई दूसरी राय राय ही नहीं है जिस स्पीड से हमारी यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो अपने टीन में पहुँच रहे हैं और जिस स्पीड से हमारी गवर्नमेंट लेवल की एजुकेशन ख़राब हो रही है जो 20 साल बाद वाला पाकिस्तान है ना वो एक अजीब सा नॉट सो पढ़ा लिखा पाकिस्तान नज़र आ रहा है सारे बच्चे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स करते हैं या किसी भी बेहतर उसमें है उन्हें बाहर जाना है ठीक है okay? तो ये जो ब्रेन ड्रेन है ना न इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन था उसका एक साइकिल था कि वो वापस भी आए थे हम पाकिस्तान को जहाँ ले जा रहे हैं ना ये वापस नहीं आएंगे ये वन वन वे जाना चाह रहे हैं

ये कुछ अरसे बाद ना ये जो टैलेंट वॉर है ना ये और बढ़ेगी क्योंकि दुनिया में ही कम है टेक टैलेंट वैसे ही दुनिया में बहुत कम है तो देर आर देर आर पीपल हु वॉन्ट टू कम बैक टू पाकिस्तान और तो आप उनको एक अच्छा पैकेज दें एक अच्छा इन्वामेंट दें क्यों नहीं आएंगे तो हम हम बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने बातचीत भी की वो लोग आए भी उन्होंने ज्वाइन किया एंड देर दे लव अलमदिल्ला तो बिल्कुल उसकी एक वजह शॉर्टेज भी है Uh, लेकिन हाँ मतलब in, like, okay, yes. ऐसा नहीं कि टीम्स अवेलेबल नहीं है हाँ. ढूंढनी पड़ती है इको हाँ. सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है एचआर का इकोसिस्टम बहुत अच्छा नहीं है हायरिंग का इकोसिस्टम बहुत अच्छा नहीं हाँ. है अभी तक लोगों के अंदर प्रोफेशनलिज्म है लोगों हुँ. को काम आता भी है लेकिन अपने को पोर्ट्रे नहीं कर पाते बहुत सारे लोगों का उन उनको डिपिक्ट ही नहीं करता तो हाउ टू यूज मार्केटिंग बहुत बहुत अच्छा हाँ। तो हाँ। रिक्रूटमेंट जो है वो एक बड़े हाँ। जबरदस्त चैलेंज है और बहुत मज़ेदार चीज़ है आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो तो आपके पिछले सवाल पे वापस आता हूँ तो एक तो हमने एजुकेशनल इमरजेंसी की बात की दूसरा आप कोई भी सर्वे पढ़े व्हाट्सएप पे भी आजकल तरह तरह की न्यूज़ आती रहती हैं कितनी सही होती है नहीं लेकिन हम इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे वनरेबल कंट्रीज में से हैं क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे लॉन्गिट्यूडल है ठीक है और हमारे नॉर्थ uh, साइड पे बहुत सारा पहाड़ी इलाका है देर आर लॉट्स ऑफ ग्लेशियर्स अब ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है प्रॉब्लम इज इज ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग तो वो पिघल रहे हैं और वो इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं कि जो हमारे पास फ्लड्स आते हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अब वो ग्लोबल वार्मिंग हम कर नहीं रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा है जिस तरह के फ्लड्स आने हैं जो पिछले साल आ चुके हैं उस तरह के भी और आने हैं और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अच्छा अब एक बहुत <laughs> वो एक हमारे साहब थे जिन्होंने कहा था डैम बनाओ पता नहीं क्या करो वो डैम्स बने थे हमें दो तीन बहुत बड़े डैम्स की ज़रूरत है उसका उसका बहुत सारा फायदा है वाटर रिजरवाइज चाहिए हमें वन आपको पता है केप टाउन में कुछ तीन चार साल पहले इत दर वॉज अ टाइम वन वाटर फिनिश्ड लाइक दे एक्चुअली लॉस्ट पानी दे एक्चुअली अनाउंस्ड डे ज़ीरो वो एक एक बाल्टी एक एक फैमिली को दे रहे थे इतना बुरा हाल हो गया था फिर बारिशें हो गई अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया तो हम क्रिटिकल तरीन मुल्कों में से आते हैं वाटर मैनेजमेंट में अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे तो एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सस्टेनेबल नहीं है हमें पानी से बनने वाली बिजली चाहिए बिकॉज़ दैट्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ बिजली ठीक है उसके लिए भी हमें बड़े डैम्स चाहिए हमें अपने वाटर को कंट्रोल करना चाहिए उसके लिए हमें बड़े डैम्स चाहिए हमारा पूरा सिंध जो है बेचारा इनहडेट हो जाएगा होता रहेगा और हम उसको पॉलिटिकल माइलेज में यूज़ करते रहेंगे जिन बेचारों को हम बचाने की बात कर रहे हैं उन्हीं को हमने किसी और तरह से सप्रेस किया हुआ है तो सदन पंजाब सिंध ये बहुत वनरेबल है पंजाब इट बहुत वर्नरेबल जितना हमारा वाटर वे है हमें डैम्स चाहिए एजुकेशनल इमरजेंसी वाटर मैनेजमेंट और तीसरी चीज़ जो कि शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इन इनके बाद मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये मग यहाँ नहीं बनता ये लाइट यहाँ नहीं बनती ये कैमरा यहाँ नहीं बनता ये ग्लास यहाँ नहीं बनता ये टेबल यहाँ नहीं बनता कुछ यहाँ नहीं बनता हम हर चीज़ बाहर से लाते हैं ये बुक्स यहाँ नहीं प्रिंट होती हैं यार क्या पायरेटेड शायद होती होगी हम कुछ ख़ुद नहीं बनाते हम ये माइक नहीं बना सकते ठीक है और फिर वो इंडिया चांद पे जाते हैं हम रो रहे होते हैं वो हर चीज़ ख़ुद बनाते हैं ठीक है और हमारे उनके बीच में एक लाइन डाली गई थी ठीक है इस तरफ वाले मुसलमान थे और उस तरफ वाले नहीं थे हम डूब गए और वो यू नो सो समथिंग इज़ रियली रॉन्ग विद अस इट्स अ पॉलिसी थिंग इट्स अ पॉलिसी थिंग हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते अब होना ये चाहिए जैसे मोटरसाइकिल है हमारे पास होंडा बनती थी यामा बनती थी फलाना बनती थी किसने चाइना को अलाउड किया इम्पोर्ट दुनिया हमने सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग का की कमर तोड़ के चाइना से इम्पोर्ट करनी शुरू की चीन दोस्ती इज सच स्टैब ऑन अस ठीक है उसका हमें कोई फायदा नहीं है हमें खुद चीज़ें बनानी चाहिए हर तरह की चीज़ खुद बनानी चाहिए बुरी बने लेकिन वो लोकल हो इतनी भी पड़ती है इंडिया में इतनी सस्ती हैं बिल्कुल इज लाइक like हाँ, अब इंडिया से तो अब कंपैरिजन है नहीं ना अब तो आप बांग्लादेश पे आ जाएं बांग्लादेश भी ऊपर है और अनफॉर्चुनेटली अभी आप अफगानिस्तान पर आ जाए अभी वो मैनुफेक्चरिंग में नहीं आए लेकिन हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी हम मैनुफेक्चरिंग को सपोर्ट करें उसके लिए हमें किसी न किसी तरह या तो सब्सिडाइज करना पड़ेगा या पॉलिसी ऐसी बनानी लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि आप एक कॉफ़ी खरीदनी हैं नेस्ले की जो पाकिस्तान में बनती है तो वो हज़ार रुपए की है लेकिन अगर आप मलेशियन नेस्ले खरीदेंगी तो छः हज़ार रुपये की है या दस हज़ार रुपये की तो वो रैक्स में से गायब हो जाएगी ठीक है अगर वो दो की होगी तो लोग ख़रीदेंगे फिर भी ए दस इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकल मैनुफरिंग करोला ठीक है अगर वो पचास लाख की है और बाहर से आई वी पाँच करोड़ की है ना तो लोग रुक जाएंगे इस तरह का आपको वो बनाना पड़ेगा कि एनी थिंग दैट इम्पोर्टेंट इज सो डैम एक्सपेंसिव क्या वो नहीं अब करते क्या है कि जो रूल्स करोला के लिए बनाते हैं वही इंसुलिन के लिए भी बना देते हैं बच्चे मर रहे हैं इंसुलिन नहीं मिलने की वजह से खुद तो बनाएंगे नहीं और ला सकते नहीं तो एक्सरे मशीन नहीं बनाते यार हम एक हम कुछ नहीं बनाते हमें हर चीज़ ये जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर मैन्यूफैक्चरिंग का गढ़ होना चाहिए एन ई डी से लोग इंजीनियरिंग करते हैं और फिर वो कंप्यूटर साइंस की जॉब ढूंढ रहे होते हैं क्यों मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करें और यार? पीछे जाते हैं ना एजुकेशन भी तो स्ट्रांग नहीं है यार एजुकेशन इस लेवल की ज़रूर है कि वो कुछ बना सके कोई इकोसिस्टम ही नहीं है मतलब जिस जहाँ पे भी, भी हम बैठे हुए हैं मतलब वो देवेस्ट इन मैनुफेक्चरिंग हम रिटेल पे तवज्जो हाँ, हमारी हाँ टेक पे तो वैसे भी नहीं है <coughs> बिल्कुल टेक छोड़े स्पोर्ट्स की बात कर ले यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद असद साहब ऑलरेडी एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट अरशद नदीम आई वाज प्लानिंग टू इंटरव्यू अरशद नदीम एंड ही वाज टेलिंग मी दैट ही नीड सपोर्ट इन लाइक ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग आई अरशद नदीम को सपोर्ट की जरूरत लाइक सीरियसली नहीं इनको इनको नहीं नॉट इवन प्रमोटिंग आवर ओन टैलेंट बस अच्छा क्रिकेट पे लगा रहे हैं पैसे दैट्स इट पता है हॉकी टीम उसने पता नहीं कोई मैच जीती तो उन्होंने कहा सारे प्लेयर्स को 100-100 डॉलर दिए गए सो yeah. इट्स uh, so uh, uh, एक और चीज़ है अगेन ये भी एक पॉलिसी वाला प्रॉब्लम है पिछले पंद्रह साल में इंडिया में जो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है उन्होंने स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया आई पी एल स्टार्टेड विद लॉट ऑफ होगी क्रिकेट को खराब करें व खराब करें फलाना करें आई पी एल बिकेम अ थ्री बिलियन डॉलर इंडस्ट्री तीन बिलियन डॉलर का वो वो है उनके अब बी सी सी आई ने जितना कमाया है आई पी एल से किसी चीज़ नहीं कमाए उन्होंने उस फॉर्मूले को रेप्लीकेट किया उन्होंने कबड्डी को प्राइवेटाइज कर दिया ठीक है हा, सो कबड्डी में अंबानी घुस गए हैं और ठीक है सो वो करते हैं अब उन्होंने हॉकी को ये कर दिया है उनका सारा स्पोर्ट्स इको जो है वो फ्लरिश कर रहा है क्योंकि वो करे सो ये पॉलिसी मैटर्स हैं सो आपको मैन्यूफेक्चरिंग यहाँ पे लेके आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक सुजुकी महरान यहाँ बन रही है बनने दे सुजुकी महरान वही वाली बनने दें जो पचास साल से बनती है नहीं आपको नई शेप चाहिए लेकिन वो अफोर्डेबल हो हाँ। और उसकी हर चीज़ यहाँ बनती हो हाँ। हर चीज़ उसकी यहाँ बनती हो उसके इंजन से लेके पिस्टन से लेके सब कुछ इट विल क्रिएट सो मेनी जॉब्स के आप ही। ही। सोच नहीं सकते इंडिया ने ये किया है आप महिंद्रा की स्टोरी पढ़ें महिंद्रा एंड महिंद्रा तो खैर वन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल महिंद्रा जीप्स बनाते हैं ठीक है पहले उनके इंजन भी अपने नहीं होते थे उन्होंने कुछ कलेब्रेशन की हुई थी आप कोई जो इंडियन कार्टून मूवीज़ होती हैं ना वो जिसमें गाड़ियाँ उड़ रही होती हैं तबाह हो रही होती हैं सारी पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो या महिंद्रा की जीप्स होती हैं या टाटा की आप कोई इंडियन मूवी उठा लें पिछले पचास साल पचास भी नहीं सत्तर साल की अगर आपको उसमें एक ट्रक नज़र आएगा तो वो टाटा का होगा अगर आपको उसमें एक बस नज़र आएगी तो वो टाटा की होगी आप श्रीलंका चले जाएं श्रीलंका में आपको कोई मोटरसाइकिल नहीं नज़र आएगी बजाज के अलावा या शायद कुछ हीरो की भी होती हैं सब इंडियन हैं अशोक लीलैंड की बसेस होती हैं दुबई में सारी अशोक लीलैंड ले की बसेस होती हैं श्रीलंका में सारी ठीक तो है वो भी तो यहीं से ये उसी दिन पार्टीशन हुआ था ना तो पॉलिसी मेकिंग यू सेड इट्स पॉलिसी मेकिंग आई विश यू यू बिकम यू गेट दैट पोजीशन सम डे एंड पीपल लाइक यू मैं भी मैं like. कैदी नंबर 805 होता था <laughs> अच्छा देखिए इट्स मोर इट्स नॉट अबाउट के आपको कितना आता है या आप टेक्निकली कितने साउंड है आपको कितना एक्सपीरियंस है इट्स मोर अबाउट ओनरशिप एंड लाइक द विल टू यू नो टू ब्रिंग द एंड दैट सो क्विकली मूविंग ऑन आपने मुझे uh, वक्त तो ज़्यादा दिया था मेरे तरफ से कम हो गया बट वी विल क्वेश्चन क्विक कॉमर्स पर बात करते हैं हम गए थे आप लाए थे एयर एक्सप्रेस ऑल्सो उससे पहले मन भी चला था और उसके बाद अभी क्रेवमार्ट भी चल रहा है साथ साथ भी चल रहा था बट बट क्विक कॉमर्स जितना हमने देखा या तो उसे उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली या लोगों का वैसा माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ या क्या ऐसे चैलेंजेस थे कि कोई कॉमर्स उस तरह से अभी तक स्पेशली ग्रोसरी की अगर हम बात करें फ्लरिश नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में क्विक कॉमर्स बहुत फ्लरिश कर रहा था लाइक पीपल वॉन्ट लोगों को तो पीपल आर क्रेजी अबाउट इट देखें हम पच्चीस से ज़्यादा ऑर्डर्स कर रहे थे डेली के पच्चीस हज़ार ऑर्डर्स कर रहे थे वी आर टॉकिंग ऑफ अ कंपनी जो कि बस सर्विस के तौर पे बंद हो गई थी 2020 में दोबारा से हमने उसको री इन्वेंट किया एज अ ग्रोसरी 2021 में सवा साल बाद पचासी मिलियन रेज कर लिया उसने हुँ, हुँ, तो वो क्या फ्लरिश नहीं कर रहा था फ्लरिश तो वो कर रहा but था बट इन कोविड नहीं नहीं लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी okay. उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है पंद्रह बीस मिनट की डिलीवरी ना इंसानिटी है ये इसकी कोई जरूरत नहीं है सारी दुनिया में पिज्जा डिलीवर होता है एक घंटे में द वर्ल्ड इज फाइन विद दैट चलता है

लेकिन कोई कॉमर्स ज़्यादातर मार्केट्स में फेल हुआ है वो फेल इसलिए हुआ है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वेव आती है ना देखें जब जिस जमाने में करीम ने राइड हेलिंग स्टार्ट की है जिस जमाने में उबर ने उसके बाद बहुत सारी राइड हेलिंग आई लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है नहीं। अब जाके उबर को कितने साल हो गए तेरह साल बाद उबर ने अब प्रॉफिटी शो की है तेरह साल बाद आफ्टर एन एग्जिट ऑफ बिलियन डॉलर्स वो प्रॉफिटेबल नहीं थे तो क्या ये कहना सही है कि वो चला नहीं चलता था वो फॉर्चुनेटली एक ऐसे इको में बैठे थे जिनको कैश इंजेक्शन मिलता रहा ओके okay. अगर hmm. कोई कॉमर्स को भी हाँ. इनफ कैश इंजेक्शन मिलता तो कोई कॉमर्स हाँ. चलता हाँ. अब अगर आप देखें कि कोई कॉमर्स के दो तीन बड़े प्लेयर्स हैं जो डूब गए हैं जिन्होंने एक एक बिलियन की फंडिंग रेज की गतिर है टर्किश है गोरेला है जर्मन आ, हम एयरलिफ्ट था

और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलता है लाइक like, इसको सिर्फ देखें इसको इसको एक सर्टन लेवल की प्लानिंग की जरूरत है इट इज़ अ कैश हॉक इन द बिगिनिंग ठीक है लेकिन फ्री डिलीवरी इज नाउ थिंग ऑफ द पास्ट और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो जो, जो आउटसाइडर होते हैं ना वो इसको एक रिटेल आउटलेट समझता है ठीक है और ये मुझसे एक दफ़ा यूनिलीवर के भी एक दो साहब थे उन्होंने मुझसे कहा कि जी ऐसा नहीं करते अवेयर हाउसिंग में वैसे नहीं करते आर रियली एक्सपर्ट्स ऑन दैट तो वेरी गुड इंफॉर्मेशन जो हमने गलतियाँ की थी डार्क स्टोर वगैरह उसमें उसकी मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि कहाँ पर हमने कुछ बेवगूफियाँ हाँ। की और जो नहीं होनी चाहिए थी Proctors, they, they much, much uh, और हम बहुत सारी चीजें हम बिल्ड कर रहे थे लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा मैंने कहा आपको पता है कि कितने लोगों ने पिछले छः महीने में सिल्क सन खरीदा मैंने कहा मुझे पता है ठीक है सो देखो जो कोई कॉमर्स है या ई कॉमर्स इन जनरल है इट्स इवेंचुअली अ डेटा बिजनेस इट इज़ अ डेटा बिजनेस मैं आपको सो जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट करो कोई एयरलिफ्ट चल रही है hmm. ग्रोसरी सर्विस के तौर पर okay. और एयरलिफ्ट की बसेस भी चल रही हैं दोनों चल रही है आई कैन टेल यू के दिर्जा गाय अहमद यू वो इस जगह पे रहता है वो रोज़ यहाँ से बस लेता है वो रोज़ हबीब बैंक क्लिफ्टन पे उतरता है वो सनसिल्क यूज़ करता है और वो जिलेट का फलाना चीज़ यूज़ करता है और वो नेशनल का ये वाला भी यूज़ करता है फलाना 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 यू नो डेटा एंड आई हैव दिस the होल ईयर क्योंकि वो ये चीज़ें रोज करता है ये apps ऐसी हैं जो बंदा रोज यूज़ करता है इट्स नॉट लाइक अ खाड़ी ऐप कि आपने एक सूर खरीद लिया फिर आप तीन चार हफ्ते बाद आए नो ठीक है या आप रोज यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो मैं यूनिवर को ये बता सकता हूँ कि इस तरह के दस हजार लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और वो ये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं अगर आप इस जगह पर बिल लगाए ना तो आपको ये फायदा होगा मैं बता सकता हूँ ना पावर ऑफ डाटा पावर ऑफ डेटा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार अगर आपकी छः प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो किसी गर्ल्स कॉलेज में आप यूज़ कर सकते हैं तो हमारी पंद्रह सौ बसें हैं जो इस गर्ल्स कॉलेज के बाहर से गुजरती हैं ठीक है तो आप यहाँ पे अपना बिल बोर्ड लगाएं हमारी बसेस में फ्री सैम्पलिंग करते थे प्रॉक्टर और यूनिलीवर वाले ठीक है सो लाइक द पावर ऑफ टेक इज़ जस्ट अंडर अंडर एस्टिमेटेड

इफ़ यू हैव गुड एग्ज्यूशन आप एक ऑर्डर करती हैं चीज़ और वो डिलीवर हो जाती है यू यूज़ इट अगैन ठीक है अगर आपकी चीज़ ख़राब निकलती है आप उनसे कहते हैं खराब है वो आपको रिप्लेस कर देते हैं ना यूल यूज़ इट अगैन ठीक है वो कोई भी हो वो पिज्ज़ा हो वो बर्गर डिलीवरी हो वो फूड पैंडा हो कुछ भी हो अगर सर्विस अच्छी है और वह कंसिस्टेंट है तो यू विल यूज़ इट अगैन ठीक है प्राइस भी सेकेंडरी हो जाती है ऑल दो हमारे मुल्क में स्पेशली ग्रोसरी में बहुत ही प्राइस सेंसिटिविटी है बट अगेन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि ये इट्स अ इट्स वर्किंग थिंग इज जस्ट कि यू डोंट नीड टू रश एक्सपेंशन दैट इज द की जो अब कॉन्सेप्ट है विच इज द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पैसे रेज करते जाओ और एक्सपैंड करते जाओ होना ये चाहिए कि रेज करो और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ when you show profitability with that raise more money mm. and then expand a bit and then show profitability and then raise more money expand a bit show profitability and yes so Haan. you you need to partially sustain yourself mm. before you raise mm. 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 a mm. rush tha of investments mm. easy money was available mm. pre-covid post-covid e इजी मनी वॉज अवेलेबल बहुत ही जेनरस वैल्यूशनस भी हो रही थी पैसे भी आसानी hmm. से मिल रहे थे hmm. अब उस तरह की इन्वेस्टमेंट रेस करना स्पेशली हाई uh, 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 इस तरह के इकोसिस्टम में बहुत टफ है hmm. और एंड नाव देर इज अव वेव

एलएफ के बाद एलएफ ने फैमिली का बहुत टाइम ले लिया था बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था लाइक माई डॉटर्स माई वाइफ फादर माई फादर डाइड लास्ट लास्ट मंथ दे रियली दे वर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एक्चुअली उनका बहुत टाइम लगा था तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी दिया था लेकिन आई वॉज लुकिंग फॉर एयरलिफ्ट की एक बहुत बड़ी लर्निंग यही थी कि यार वेन यू वर्क विद पीपल यू ट्रस्ट दैट्स दैट्स ग्रेट फन ठीक है क्या आप स्टार्टअप में दोबारा से जाना चाहते हैं क्या उतनी जल्दी अनडिसाइडेड था मैं बहुत कि यार नहीं अभी अभी दोबारा से हिम्मत थोड़ा सा ब्रेक लेकिन कॉन्टूटर लैब्स जो है इज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत ही हाई इंटेग्रिटी लोग हैं वन ऑफ द वेरी फ्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज जिसके हर एक डेवलपर्स पे आप वाउच कर सकते हैं कि हाँ यार ये टॉप नॉच है साठ पैंसठ इंजीनियर्स हैं एज so चीफ स्ट्रैटी ऑफिसर्स स्ट्रैटी एंड ग्रोथ एंड तो ये तो, तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है तो हम उसमें ए uh, आई पर बहुत सारा काम कर रहे हैं जनरेटिव ए आई के भी कुछ uh, की चीज़ें हम फॉर्म कर रहे हैं हम लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल्स भी बना रहे हैं वी आर डूइंग सो होप फुली वी आर बिल्डिंग एन ए आई कंपनी आउट ऑफ वट एवर कॉन्ट्रैक्ट लेबे और एंड वी आर एक्चुअली hiring top engineers in Karachi and Lahore and we are looking for anybody who uh, who who fulfills our criteria okay A very super finicky about who we hire

उन्होंने एयरलिफ्ट में, में भी पैसे लगाए उन्होंने बाजार में भी लगाया उन्होंने पचास हजार और जगह पैसे लगाए अचानक से मार्केट में कुछ ऐसे आए ना कि सब अपने पैसों पर हाथ रख के बैठ गए नहीं नहीं अभी कहीं लगा ठीक है अच्छा इसी में बंद हो गई ठीक है एक नया बंदा आता है वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है वो उन लोगों को लॉस हुआ है नॉट ओनली एयरलिफ्ट बट एल्सवेयर एज वेल वो पैसे नहीं देते वो कहते हैं ये एयरलेफ्ट की वजह से हो रहा है ठीक है क्योंकि हमारी मार्केट में बड़े प्लेयर्स थे थोड़े से तो वो एयरलिफ्ट और एयरलिफ्ट अ वेरी वो नजर आने वाली चीज भी थी हाँ। तो ये हो गया क्योंकि काफी बड़े अच्छा, पैमाने पे so रही मेरे ख्याल में जिस वक्त स्टार्टअप हाँ। में प्रॉब्लम मल्टीपल है एक तो ये कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं ना ठीक है हमारे सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी इवन इवन सीजन स्टार्टअप्स हैं वो क्या करते हैं कि अब उन्होंने देख लिया है ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे आते हैं या डॉलर्स में पैसे आते हैं तो वो अपनी वैल्यूएशन और अपनी पिच भी डॉलर्स में बनाते हैं फाइन उनका राइट right है वो गए किसी के पास उन्होंने लाख डॉलर ले लिए मैंने आपसे लाख डॉलर ले लिए फर्ज uh, करें मैंने पिछले साल जून में आपसे एक मिलियन डॉलर ले लिया ठीक है और मैंने जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थर्टी परसेंट प्रोफिटेबल पाकिस्तान में हुँ. मैं वापस गया जब मैंने उसको रुपी से डॉलर में कन्वर्ट किया तो मैं लॉस में था क्योंकि मैंने वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी बी के आर में की थी समझ oh. रही हैं आप रुपी डिवेल्यूएशन जो है ना ये बहुत बड़ा डेंट है और क्योंकि वो खुला चल रहा है तो इस वक्त उस पर कोई कंट्रोल नहीं बिल्कुल नहीं एंड दैट्स वाई पीपल आर स्ट्रगलिंग वो तमाम बिजनेसेस जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और पी के आर में प्रॉफिटेबिलिटी फॉलो करे बेचारों के लिए बड़ा टफ है तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्वेस्टर पैसे डालते हुए भी घबरा रहे होंगे मुझे नहीं पता वो ये सोच रहे हैं यानी लेकिन फॉर एज अ फाउंडर ठीक है ये बड़ा प्रॉब्लम है यार कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी uh, दिखाएंगे तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है दूसरा एक चीज़ जो बहुत कॉमन दिखती है वैसे तो आप, uh, कुछ अच्छे लोग भी नज़र आते हैं पीपल डोंट रिसर्च पढ़ते ही नहीं है मतलब जनरली uh, मुझे नहीं पता कि लम्स वगैरह और और यूनिवर्सिटीज में कैसा है मैं पिछले दिनों एक जगह पढ़ा रहा था और ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड है लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है um तो, how do you learn like how do you enrich yourself uh, me और और them और you ये अब तो हर लाइक इस तरह पर्टिकुलर हैबिट कि मैं रोज इतना टाइम दूंगा या मैं चलो कभी आर्टिकल्स पढ लिए या वीकेंड नहीं नहीं मैं पढ़ना तो हर वक्त पढ़ता लाइक यू हैव टू रीड अ लॉट लाइक फॉर example, आजकल हम एक मार्केटिंग इंजन बना रहे हैं बनाने की बात कर रहे हैं अब जनरेटिव ए आई आ गया मैंने कभी ए आई पर काम नहीं किया हुआ राइट आई हैव टू रीड अलॉट टू गेट इन टच मैं कस्टमर के सामने बैठा हूँ ठीक है यू बेस्ड है तो आई वॉन्ट टू आई आई वॉन्ट दैम टू नो के मुझे क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती तो वो तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और uh, मैं कल एक uh, वीडियो देख रहा था uh, जोकोविच की जो अभी यू एस ओपन जीता है इट्स ग्रैंड स्लैम उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एंड इट इज़ सो जबरदस्त ऑनेस्टली आप उसको देखें वो ये कहता है कि यार देखो दस साल पहले जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी ना अब मुझे उससे ज़्यादा करनी पड़ती है अच्छा क्योंकि अब मैं यंगस्टर्स से कम्पीट कर रहा हूँ दूसरा उसने कहा कि क्योंकि मुझे अपने आप को री इन्वेंट करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं हर रोज़ दैट्स चैलेंज ना आपकी आदतें पक्की हो जाती हैं फिर दूसरा अब आप हर वक्त टेक की बातें नहीं कर रहे अगर आप मुझसे पूछें अब मैं हर वक्त टेक की बातें नहीं कर रहा होता अब मैं लोगों की बातें कर रहा होता और ह्यूमन अल्गो इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टू मास्टर आई थिंक आई हैव डन फेरी वेल इन दट लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले लोगों से हम बात करते थे उन्हें जिन चीज़ों पर मोटिवेट करते थे अब वो उन चीज़ों पे नहीं एक्साइट होते हुँ। 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 तो मेरा ख्याल में आ, तो ये वाली लर्निंग रहती है यू ऑलवेज़ रीड अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, यू ऑलवेज़ रीड अबाउट एम्पथी यू ऑलवेज़ रीड अबाउट पीपल मैनेजमेंट दैट्स दैट्स प्राइम तो मेरा ख्याल में जो हमारे लिए डिफरेंट uh, so uh, जो चैलेंज है वो ये कि अपनी फील्ड के बारे में भी पढ़ना है फिर आपको पीपल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है लोगों को इंगेज रखना सो कुछ अर से पहले तक एक वर्ड यूज होता था मोटिवेशन फिर मैनेजमेंट साइंस चेंज हुई थोड़ा उन्होंने एक नया जारगन लेके आए इंग सो मोटिवेशन अलोन इज नॉट एनीथिंग पीपल शुड फील इंगेज और इंगेजमेंट के दो बड़े थाट प्रोसेस हैं एक एक तो बड़ा ही एक कमर्शल uh, सा एक गैलप uh, है गैलप का एक है क्यू ट्व इट्स अ क्वेश्चन कोर जिससे आप फिगर आउट करते हैं कि क्या आपकी वर्क फॉर्स इंगेज है या नहीं बड़ी ज़बरदस्त है उसमें अगर आप पढ़ें वो बारह क्वेश्चन हैं उसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या लोग काम करने में उन्हें मज़ा आ रहा है या नहीं क्या वो फील करते हैं कि वो पार्ट है काम का या वो ये फील करते हैं बस उन्हें काम आसाइन होता है किस तरह का सवाल है एक दो सवाल डिफरेंट है डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड एट ऑफिस ओह व्हेन डिड योर मैनेजर लास्ट अप्रिशिएट यू वाओ डू यू फील हर्ड एट ऑफिस इस तरह की चीजें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं hmm. और एक है एक डच यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेक्ट उसका एक 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 वो है एक रिसर्च है

तो फिर आपको दो घंटे भी ऐसे लगने यार ये कब खत्म होगा मैं घर जाऊँ यू नो एंड दैट्स एंड सो मैनी पीपल स्पेशली इन आर कंट्री या इन आर प्रॉब्लम रीजन पीपल आर वर्किंग फॉर आवर्स दे आर नॉट वर्किंग फॉर 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 अ अ अ कॉज दे आर नॉट वर्किंग रीजन क्योंकि yes. वो इंगेज नहीं फील करते हैं आते हैं मशीन की तरह सामान काम का मसाइन ये फैक्ट्री वर्कर्स का काम होता है मुझे लगता है फोर्टी वर्क फोर्टी आर्स वर्क वीक एक बिल्कुल एक इज इज़ एन अनफेयर वे टू ट्रीट योर सेल्फ पीपल डिज़र्व मोर मतलब वी एज पीपल डिज़र्व टू लर्न मोर पुट इन मोर हम सब अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं प्रमोशन को टारगेट कर रहे होते हैं ये ज़िंदगी का मकसद ठीक है इससे निकलने की ज़रूरत है देर इज सो मच मोर टू लाइफ दैन दिस

यू नीड टू फाइंड ग्रुप्स दैट टॉक अबाउट सोल्यूशंस ठीक है आजकल पाकिस्तान में वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है तो तो ड्राइव आएगी ना ठीक है हम ढूंढ ढूंढ के दुख ढूंढते हैं ठीक है मतलब आप अपना आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा दें हाँ। वो एक टायर जल रहा होगा ना छः कैमरे लगे होंगे उस पर ठीक है तो मतलब कब आपने लास्ट देखा था कि जी अब्दुल सत्तार ईदी पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी जो सनेमा में लगी हो ईदी पर मूवी बनी ठीक है सो so, हम ढूंढ ढूंढ के ना दुख निकालते हैं yeah. वो पोर्ट्रेट जरूर होने चाहिए आइडेंटिफाई भी जरूर होनी चाहिए लेकिन सॉल्व भी तो होना है ना yeah. कुछ भी करना है uh, मैं जबरान नासिर नाम है नहीं ज़बरान नहीं देर इज अनदर जबरान बिगेस्ट ए डब्ल्यू एस थ्री सेलर चार सौ पाँच चार सौ या छः सौ मिलियन डॉलर का उसका बिजनेस है पाकिस्तानी है ही यूज टू स्टफ फ्राम चाइना अमेरिका अमेरिका में रहता फिर उसने वो मैनुफेचरिंग पाकिस्तान में शुरू कर दी कहता सब ने मुझे कहा नहीं पाकिस्तान में नहीं होगा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा बिजली नहीं मिलेगी फ़िलाना नहीं, नहीं मिलेगा कहता मैं सुनता रहा इग्नोर करता रहा एज टुडे ही इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरर्स ऑफ माइक्रोफाइबर्स इन पाकिस्तान है सॉफ्टवेयर का बंदा तो फैसलाबाद में या कहीं उन्हें इंडस्ट्री लगाई उसका एक पूरा एक घंटे का ब्लॉग है आप वो वी लॉग है आप पढ़े ठीक है मशीन्स भी आप वो यहाँ बना रहे हैं मशीन्स चाइना से मंगा के वो उसको कोई री इंजन करके okay. सारी चीजें यहाँ पे बना रहे हैं बेच रहे है गूगल पे आ, wow. पे सो यू नीड टू मीट पीपल हु आर डूअर्स ये है ना भरे पड़े hmm. तो सो so, अब अब आप क्या कर सकते हैं या तो अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं मैं इमरान खान की एग्जाम्पल देता हूँ इमरान खान जो है वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ही रिपीट थिंग्स दिमागों हाँ. में घुसैग जनरेटर है।, हाँ. है? है, है वो एक चीज पकड़ लेगा और रिपीट करेगा करता, रिपीट कर आपको इस जैसे कुछ लोग चाहिए जो एक सर्टन माइंड सेट को बयान करते रहें हुँ. और फिर वो करते रहे और फिर वो करते रहे सो देट

हाँ. और तो ये बहुत माइंड प्ले करता है हमारे हाँ.

अगर इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर बेचारों को तो कुछ नहीं मिला हमारे केस में तो कुछ भी नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सो देर इज अ सीक्वेंस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन सबसे पहले आपको टैक्स लाइबिलिटी पूरी करनी होती है टैक्स लाइबिलिटी के बाद आपको वेंडर पेमेंट्स पूरी करनी होती हैं वेंडर पेमेंट्स के बाद आपको जो बचता है उसमें से जब आपने सारा कुछ रैपअप कर दिया तो जो उसका बचेगा तो वो प्रो प्रोरेटेड इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उसमें भी शायद एक सीक्वेंस ही होता है कि रीसेंट मोस्ट इन्वेस्टर्स गेट द फर्स्ट चॉइस एंड देन ओके Um so this is this is a sequence. Yeah, is have a sequence nahi hai. This is a norm, this is an okay. SECP and company okay. closure ka, Okay. Hmm. Okay. Another one was what was ALF's share in digital retail market of Pakistan? I don't know. I think about insignificant toga. Okay, digital retail we wouldn't compare ourselves. I don't know. I don't have the numbers. Okay. Uh, okay. Hassan, we don't have idea.

जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो कि हाई स्केल पे चल रहे हाँ, होते हैं वो शुरू में अपने मार्जिन या लो रखते हैं या जीरो रखते हैं या माइनस में रखते हैं फॉर एक्सपेंशन दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ योर आर आर बर्न राइट आपने पचास पचास साठ साठ सौ सौ रुपए में करीम की बहुत राइट एंजॉय की है ठीक है वो उनको पचास की नहीं पड़ती थी उनको सौ की पड़ती थी लेकिन like, करीम वॉज रेजिंग दो सौ मिलियन डॉलर पांच सौ मिलियन डॉलर ठीक है

उसके खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा है hmm. इसका क्या मतलब है कि मार्जिन जीरो है बट दैट्स नॉट फॉर मतलब hmm. एक सर्टन टाइम के बाद आप hmm. बताते हैं कि हाँ यार इस तारीख hmm. तक हम ब्रेक इवन करेंगे hmm. इसके बाद हम प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे एंड दिस इज द प्रोजेक्शन वी क्रिएट दिस इज द प्रोजेक्शन वी शो सो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इनिशियली ऑफ कोर्स देखो ये एक फैक्टर नहीं है देर देर आर सो मैनी थिंग्स

मुझे क्योंकि लाहौर भी जाना है मुझे इस्लामाबाद भी जाना है मुझे फैसलाबाद पेशावर यू you नो know, पचास जगह जाना है मुझे केप टाउन भी जाना है मुझे और जगह भी जाना है मुझे एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाना है देखो जो बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं ना उनके ड्रीम्स बड़े होते हैं उनके ड्रीम्स बड़े होते हैं और बड़े ड्रीम्स का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता इफ़ एनी बडी इज़ डूइंग समथिंग रेली बिग जस्ट टू अर्न मनी वो कर सकते हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते

दैट so uh, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में अब इसलिए हैं कि शायद एयरलिफ्ट वॉज देयर एयरलिफ्ट शोड दैट प्रामिस हमने कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की है जिनके मैंने तो सिर्फ मैगजीन में नाम पढ़े हुए थे तो मतलब कितने कि लोगों को पता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ट्विटर ठीक है अच्छा वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ ड्रीम वर्क एनिमेशन इज एक्स सी ऑफ डिजनी Oh. मतलब डूइंग we right. तो hmm. uh, uh, like, hmm. sure राइट हाँ, हाँ, तो वो, वो, तो हाँ, वो तो हाँ. तो हाँ. so, है भी uh, सारी, सारी है लेकिन भी यार इट स्टिल बट वे यू यू गाइस लाइक क्लोज डाउन जिस तरह आपने डायरेक्टरी एंड एंड एवरीथिंग पब्लिश मेड थोड़े दिन में हो जाएगा We try to do anything and everything that we could by the book, and or her cheese. But go audited auditate. properly close. Hoga. My team vi, inshallah Maybe another in a month or so should be done. So tell me, Ahmed what are, this, this is the last question. What are the three learnings from the whole experience, not just airlift, like the whole experience? I have And I would uh, recommend this to entrepreneurs. Ke, ये वो रिपीट ना करें ये गलतियाँ या ये ज़रूर करें एनी थिंग बिल्कुल एक तो ये कि यार इंटेग्रिटी प्राइम है अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो उसको आपके साथ काम नहीं करना चाहिए और अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए फुल स्टॉप बिल्कुल प्राइम ठीक है सच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे रसोल्ला को 40 साल अल्लाह ताला ने ट्रेन किया था टू बी सादिक और अमीन बिफोर

पिच के दौरान बोले कि हाँ ये हमने नहीं देखा हुआ उनको आपकी इंटेग्रिटी चाहिए उनको आपकी ऑनेस्टी चाहिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो आपको कोई बहुत ही अजय देवगन बनने की ज़रूरत नहीं है <laughs> फिर जो तीसरी चीज़ है सब कुछ पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल है और ये हमने देखा है या। मेरा जो बैकग्राउंड है मैं छः साल उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ ठीक है मैं कोटा में रहा हूँ और uh, सब कुछ पॉसिबल है ठीक है? हेनरी फोर्ड uh, की एक सेंग uh, है जो कि मैं अपने हर इंटरव्यू हर टॉक में भी बोलता हूँ इफ यू थिंक यू कैन डू इट एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट इफ यू थिंक यू कैन डूंग अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं एक चीज और अगर आपको लगता है आप एक चीज नहीं कर सकते आप सही है क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आपके जहन में आप वो नहीं कर सकते जो आपके आप नहीं कर सकते ठीक okay, okay. है सो सो इट्स थिंकिंग यू बिल्कुल उसको में कि हो तो सकता है हाँ और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी सारी बड़ी इनोवेशन इसी तरह से हुई हैं देरवे वो तो नहीं हो सकता ये कैसे होगा जो आपको सुबह शाम कहेंगे यार पाकिस्तान छोड़ दो चले जाओ वगैरह 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 यह आप पे डिपेंड करता है आप जाएँ बेहतरीन दुनिया पड़ी है आपके पास अच्छी साफ सुथरी सड़कें हैं सब कुछ है दूसरा तरीका ये है कि आप बोलें यार, यार ये तो मेरी जिम्मेदारी है ठीक है तो मुझे ठीक करना है तो, तो वह है मतलब देर विल बी पीपल लाइक 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 हसल देर विल बी पीपल लाइक ट्रैक्स वी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस इन पाकिस्तान ठीक है and they'll be starting new business in pakistan for generations and there will be people like me joining their companies for generations why why am i not starting new companies why are there no new entrepreneurs mm. because if you think you can do it and if you think really. you cannot do it you are right as yeah. <laughs> a whatsapp bio pe bhi likha hai if, uh, the only thing that stands between you and your um, बिजनेस सो mm -hmm. uh, the, the yeah. so, so, एक तो ये ये दो चीजें थी दूसरा अगर स्टार्टअप की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि फ्री कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी इज द थिंग ठीक है mm. मतलब फंड रेजिंग उतना बड़ा कारनामा नहीं है ठीक mm. है उसको प्रॉफिटेबल करना दिखाना इज द कारनामा mm. Mm. तो दैट्स दैट और वैसे तो खैर एक बहुत ही वेरी रेडिकल थिंगल के कनेक्शन टू डिवाइन इज प्राइम आप अगर कनेक्शन सही जगह पे नहीं बना हुआ ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि जाना वहीं पे ठीक है मैं आप ये हम सब किसी के पास कोई वारंटी कार्ड है तो दिखा दें कि हम साठ के बाद ही मरेंगे ठीक है और मैं कल सुबह नहीं मरूँगा ठीक है वो वाली जो इन्वेस्टमेंट uh, और वो वाली जो वैल्यूएशन और वो वाली जो एग्जिट है ना उसके लिए प्रेप करना ज़्यादा जरूरी है तो जब आप कबर में उतरेंगे तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि एयरलिफ्ट की सीरीज बी में पचासी मिलियन था या छियासी क्वेश्चन आर डिफरेंट थी आंसर्स आर डिफरेंट क्वेश्चन आर पेपर आउट किया वल्ला तला ने आंसर बताए हुए सिर्फ जाके वहाँ पे छापने हैं वो भी नहीं होता interesting. this was like the most amazing interview i've ever had. thank you so much, yeah. Saab. Thank, thank you for you being are. here. and thank you for forgetting that. Narazgi. i know you're getting late. Cool. Uh, we'll just close the interview. and before closing, i would like to request people to subscribe so that we bring more such people for you and more such stories for you. don't forget to subscribe. thank you so much.